वहीं नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने आधी रात इसको लेकर अधिसूचना जारी की। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा मिलेगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। वही परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर उसे कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी। यह 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। यानी सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा।